बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते नानू की जानू रिलीज हो गई है। फिल्म में अभय देओल और पत्रलेखा लीड रोल में है। नानू की जानू एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म साल 2014 में आई तमिल फिल्म पिसासु की रीमेक है। इस फिल्म को फराज हैदर ने डायरेक्ट किया है। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। फिल्म में अभय देओल ने आनंद उर्फ नानू का किरदार निभाया है। नानू अपने दोस्तों के साथ अपार्टमेंट में रहता है। एक दिन अचानक नानू के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। वो अपने दोस्तों और पड़ोसियों की मदद मांगता है, लेकिन उसकी परेशानी खत्म नहीं होती। दरअसल उसका पाला सिद्धि उर्फ यानी पत्र लेखा से पड़ जाता है, जो कि भूतनी है और नानू को चाहती है। आखिरकार नानू अपने जानू को पाने में कामयाब होती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म की शुरुआत बड़ी ही स्लो है। फिल्म आपको समझ तो आने लगती है, लेकिन मजा बिल्कुल नहीं आता। कहीं कहीं फिल्म थोड़ा बोर भी करती है, लेकिन अभय देओल और पत्रलेखा आपको हंसाने में थोड़ा बहुत कामयाब होते हैं। फिल्म में सपना चौधरी का आइटम सॉन्ग आपको पसंद तो आएगा, लेकिन गाने में इतना दम नहीं है। बता दें कि भारत में हॉरर कॉमेडी बहुत ही कम बनती हैं, क्योंकि ऐसी फिल्में बनाना बहुत आसान नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर फराज हैदर को फिल्म पर और काम करना चाहिए था। फिल्म में अभय देओल और पत्रलेखा ने ठीक ठाक काम किया है, लेकिन ये दोनों इससे अच्छा डिजर्व करते हैं। फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आप अभय देओल के फैंस हैं तो ये फिल्म आप देख सकते हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने 2.5 स्टार्स दिए हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।